आइए गलातियों 5:22 पर जाते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और उन सभी महान कामों के लिए जिन्हें आपने इस सप्ताह के अंत में इन सभाओं में किया। हम प्रार्थना करते हैं कि आज सच में सभी के हृदय खुल जाए और वे इन्हें समझ पाए। मैं चाहती हूं कि वे इसे ग्रहण करें, ना केवल अपने दिमाग में बल्कि अपने दिलों में भी। पर आत्मा, पवित्र आत्मा के फल जो कार्य उसकी उपस्थिति में पूरे होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि पवित्र आत्मा हम में आकर नहीं रहते तो इनमें से पवित्र आत्मा का कोई भी फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। पर क्योंकि वे हम में रहते हैं, यदि आप मसीह यीशु में एक सच्चे विश्वासी हैं तो पवित्र आत्मा आप में रहते हैं। क्या परमेश्वर का भवन है? सभी कहीं परमेश्वर मुझ में रहते हैं। वाओ, ये बहुत अच्छा है ना? क्योंकि वो हम में रहते हैं, इसलिए उनके पास जो भी है वे हम में लाते हैं। वो कंजूस नहीं है, इसलिए हम कंजूस नहीं है। वो परेशान और दुखी नहीं है, इसलिए हमें भी परेशान और दुखी नहीं रहना चाहिए। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, अंदर से एक नया प्राणी। और हमें जीवन भर पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम सीखें कि अंदर से बाहर कैसे जिए। ये बहुत आसान है। पर आत्मा के फल जो कार्य उसकी उपस्थिति से पूरे होते हैं, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, शांति, धीरज, शांत स्वभाव, सहनशीलता, दया, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, विनय, दीनता और आत्मसंयम है। तो आप क्या सोचते हैं कि आज मैं क्या सिखाने वाली हूं? आत्मसंयम। कल मैं कार में एक लड़की के साथ थी और क्या आप जानते हैं कि वो एक अनुशासित लड़की नहीं थी, लेकिन हमारी मानसिक सोच कुछ अलग है। आत्मसंयम के बारे में, हमें आत्मसंयम के बारे में लगता है कि हम वो चीज कभी नहीं कर सकेंगे जो हम करना चाहते, परंतु ये सच नहीं है। कृपया इसे अभी समझ लीजिए। जब मैं आत्मसंयम के बारे में कहती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मीठा नहीं खा सकते, आप कभी वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते, आप कभी वो हंसी मजाक वाली बात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में हर दिन जो चाहे वो खाएं, जो चाहे वो खरीदें, जो चाहे वो करें, जो चाहे वो सोचें और एक सफल जीवन की अपेक्षा करें। आत्मसंयम संतुलन के बारे में है। और 1 पत्रस 5 में बाइबल कहती है, हर समय सचेत रहो, संयमी शांत मन के और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन यदि आप एक संतुलित व्यक्ति हैं तो शैतान आपका नाश नहीं कर पाएगा। आमीन। हम बिना अनुशासन और आत्मसंयम के संतुलित नहीं रह सकते। अब आत्मसंयम है खुद पर नियंत्रण रखना, यह मुश्किल नहीं है। आत्मसंयम क्या है? इसका अर्थ है अपने आप पर नियंत्रण रखना। और इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। दुनिया को काबू करना बंद कीजिए, सभी परिस्थितियों को काबू करना बंद कीजिए, बल्कि परमेश्वर को काबू करना भी बंद कीजिए। इसलिए क्या आप आज से आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे? अब जाहिर है कि आपको अपने बच्चों को, मन को और ऐसी चीजों को तैयार करना होगा, मैं इसके बारे में नहीं कह रही, लेकिन हम बहुत सारा समय बिताते हैं उन बातों को सही करने की कोशिश में जो क्रोधित करती हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें सच में तैयार कर दिया है ताकि इनमें से कोई भी चीज हमें परेशान न कर सके। मेरा मतलब है कि एक निरंतर कार्य जो थका देने वाला और मुश्किल है, आप में आत्मसंयम का फल है, लेकिन इसे आप में मजबूत करने का एकमात्र तरीका है इसका इस्तेमाल करना, इसका और अभ्यास और वचन का अभ्यास करना, यानी आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपके शरीर में मांसपेशियां हैं और इसे आप जानते तक नहीं, क्योंकि ये छिपी हुई हैं, सच में छिपी हुई हैं। लेकिन यदि आप इसका उपयोग करने लगेंगे तो ये बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और अचानक ही आप पाएंगे कि आप इन्हें देख सकते हैं। आमीन।
शायद आपने मुझसे ये कहानी सुनी होगी, लेकिन ये मुझे इतनी हास्यास्पद लगती है कि मैं इसे फिर से बताना चाहूंगी। करीब 2 साल पहले मैंने व्यायाम करना शुरू किया, 2.5 साल पहले, और मैं इसे सच में सही तरीके से करती थी। और मुझे एक प्रशिक्षक मिला और कुछ दिनों तक मुझे लगा कि मुझे सच में मार डाल गया। पर करीब 2 या 3 महीनों तक मैंने व्यायाम किया और एक दिन मैं बैठी थी और मैंने अपने पैर ऐसे ऊपर किए और मैं अपने पैर के पिछले हिस्से को खरोंचने लगी और मुझे गांठ महसूस हुई और मैंने सोचा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? फिर मैंने इस ओर देखा, ओ यहाँ पर भी है। फिर मुझे पता लगा कि ये मांसपेशी है। मैं इतनी उत्साहित हो गई, मैंने अपने बच्चों को फोन किया। मैं दूसरे शहर में थी, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा मैंने अपनी मांसपेशियों को महसूस किया है। पहले देखो यहाँ ये है, पवित्र आत्मा के फल बिल्कुल उसी तरह होते हैं। यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। आमीन। आपको इसका उपयोग करना शुरू करना चाहिए और आप जितना ही इसका उपयोग करेंगे उतना ही ये मजबूत होता जाएगा। अब ये ऐसा है कि जिसे परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ सालों पहले डाला था और मुझे इसे इस तरह से देखना पसंद है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा के फल की शुरुआत प्रेम से होती है और मुझे लगता है कि सच में पवित्र आत्मा का फल यही है। लेकिन प्रेम प्रकट होता है या दिखाई देता है अन्य दूसरी चीजों द्वारा, जैसे कि प्रेम धीरज है, ये दया है, ये नम्रता है। मैंने आज ही सुबह तय किया कि मैं धीरज के लिए एक नया लक्ष्य बनाऊंगी। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं अपने जीवन में विजयी रहूंगी। जब वे मुझे सभा के लिए लेकर आते हैं तो मैं कार में पीछे बैठती हूं। मैं इससे ज्यादा परवाह नहीं करती क्योंकि मैं आगे बैठने वाली महिला हूं। लेकिन जब मैं कार के पीछे की सीट पर बैठती हूं और जब हम अपनी छोटी सी जगह में आकर पार्क करते हैं तो मैं कार से बाहर आना चाहती हूं पर नहीं आ पाती क्योंकि उन्होंने कार के दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप जानते हैं। और मेरा लक्ष्य है धैर्य से बैठे रहना और इंतजार करना जब तक कि दरवाजा खुल न जाए और मैं बाहर आ सकूं, क्योंकि अक्सर मैं बाहर आने की कोशिश करती हूं। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वे इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं और आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये अपने आप ही दोबारा बंद हो जाता है? और जैसे ही मैं इसे खोलती हूँ, मैंने खोला, ठीक है मैं बाहर नहीं आ सकी, इसलिए इसे फिर से खोलती हूँ, दरवाजा खोला, ठीक है मैंने खोला, ठीक है मैं बाहर नहीं आ सकी। तो आज सुबह मैंने सोचा कि अब से मैं वो नहीं करूंगी जो सालों से करती आ रही, मैं बैठूंगी धीरज से और इंतजार करूंगी दरवाजे के खोलने का। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि आप यहां से जाते समय इसमें से हर एक फल के साथ जाएं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको कुछ क्षेत्र में धैर्य की जरूरत है? हम सभी के पास अपने छोटे बटन हैं और इनमें से दूसरे फल हैं। ये फल अद्भुत है, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दया, विश्वास, योग्यता, और ये सभी प्रेम के द्वारा बाहर आते हैं। लेकिन ये शांति में बने रहते हैं आत्मसंयम के द्वारा। यदि मुझ में कोई आत्मसंयम नहीं होगा तो मेरे लिए किसी दिन इस तरह की महिला बनना असंभव हो जाएगा। मुझे जब पता चला कि मैं बिस्तर पर से गलत दिशा में उठी और मुझे अपना रास्ता नहीं मिला तो मेरे लिए आनंदित होना असंभव हो जाएगा क्योंकि मुझ में कोई आत्मसंयम नहीं था। इसलिए हमें सीखना होगा कि यदि हम आत्मसंयम न रखें तो सभी चीजें ढह जाएगी और सभी जगह बिखर जाएगी और बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आत्मसंयम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। क्या कोई आमीन कहेगा? आमीन। आत्मसंयम एक ऐसा फल है जो परीक्षा से ही विकसित होता है। यदि ऐसा कभी न हो जिसे आप नहीं चाहते तो आपको आत्मसंयम की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि जब कभी ऐसा हो जो आप नहीं चाहते तो आप उसी समय कहे, ओ परमेश्वर, मुझे आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए अभ्यास करें और कहे, अच्छा हुआ मुझे आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें कभी नहीं बन पाएगा जब तक कि हम इसे समझ न लें। अब मुझे सुनिए, यह तब तक विकसित नहीं होगा जब तक आप किसी ऐसी परिस्थिति में न पड़े जहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़े। मेरा मतलब है ऐसी चीजें जिन्हें आप पसंद नहीं करते और इन्हें किसी भी तरह से नहीं पा सकते और आप इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते या कोई भी व्यक्ति आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करके इसे नहीं दे सकता। आप इसे पढ़कर नहीं पा सकते। आप संदेशों को सुनकर सिर्फ जान जाएंगे कि जब परीक्षा आए तो आपको क्या करना चाहिए और तब आप इसे कीजिए और इसे कीजिए। आप इसे जितना करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे जब तक कि अचानक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने न लगे। और मेरे दोस्तों, यही 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 आजादी है।
आजादी यही है, एकदम यही आजादी है। आत्मसंयम एक योग्यता है भविष्य की खुशी के लिए, असंतुष्टि को टालने के लिए। आज हमारे पास सब कुछ तुरंत उपलब्ध हो जाता है। आजकल ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं उनके पास सब कुछ इसी वक्त होना चाहिए और उन्हें किसी भी चीज के लिए इंतजार न करना पड़े। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम आत्मसंयम से कार्य करने की इच्छुक हों। रोमियो 5:18। इसलिए जैसे एक व्यक्ति का अपराध करना, उस मनुष्य का गलती करना और उसका गिरना सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, आदम का पाप हर एक मनुष्य पर पड़ा जो उसके बाद पैदा हुआ। जब आदम ने पाप किया तब उसके बाद हम सब ने पाप की प्रवृत्ति के साथ जन्म लिया। इसलिए जैसे एक व्यक्ति का अपराध यानी एक मनुष्य की गलती करना और गिर जाना सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही धर्म का काम सब मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने सही बनने और मुक्ति पाने और जीवन के निमित्त ठहराए जाने, अगुवाई करने का कारण हुआ। और फिर ये एक व्यक्ति की अवज्ञा के बारे में कहते हैं, पाप एक मनुष्य की अवज्ञा के कारण आया और धार्मिकता आई। मैं इसे आपको थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगी। किसी एक व्यक्ति के आत्मसंयम न रखने के कारण सारी मानव जाति पर पाप आया। जब हव्वा ने शैतान की सुनी और उसने उस फल की ओर देखा कि ये अच्छा है और कहा, आहा, यदि मैं इसे खा लूं तो मैं वो सब जान सकूंगी जो परमेश्वर जानते, वो अच्छी तरह से जानती थी और ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था, लेकिन उसने स्वयं पर काबू नहीं रखा। और आदम को भी पता था लेकिन उसने भी स्वयं पर काबू नहीं रखा। दूसरी तरफ यीशु के आत्मसंयम के कारण उस नियंत्रण के बारे में सोचिए जो उन्हें गतसमने के बगीचे में रखना पड़ा। उस नियंत्रण के बारे में सोचिए जिसे उन्हें कार्य में लाना पड़ा। बल्कि जब वे मानव रूप में पृथ्वी पर थे तब भी जब लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था तो क्या हमें लगता है कि उन्हें सच में कुछ महसूस नहीं हुआ होगा? लेकिन उन्होंने उन बातों को अपने खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, मैं पिता को जो करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं, मैं पिता को जो कहते हुए सुनता हूं वही मैं कहता हूं। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरी सुनिए। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपका जीवन और दूसरों का जीवन किस तरह सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है यदि आप आज ये निर्णय लें कि आज के बाद आप एक पराजित व्यक्ति नहीं होंगे। अब मैं चाहती हूं कि आप एक मिनट के लिए मेरी सुने। आप जानते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कभी नहीं करते। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आप यहां से जाने के बाद स्थानीय गैस स्टेशन को लूटेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो स्वीकारने योग्य पाप हैं। कुछ ऐसे पाप है जिन्हें अपनाया गया है और ये मसीह की देह में हमें बहुत ही दुखी करता है, पर सच में हम इसे समझ नहीं पाते। घमंड एक अच्छा उदाहरण है और व्यर्थ बातचीत करने की आदत को हमने अपना लिया है। हमें बातें करना पसंद है, ये पुराने स्वभाव में ही है। बस हम कुछ बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हमें कुछ पता है। इसलिए यदि आप व्यर्थ बातचीत नहीं करेंगे तो आप में आत्मसंयम होगा, आत्मसंयम होगा। आमीन। ईर्ष्या एक पाप है। वास्तव में ये 10वीं आज्ञा है, तू उन चीजों की लालच मत करना जो तेरे पड़ोसी की है, यानी आप उनकी चीजों को पाने की इच्छा मत कीजिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि वो आपको सारी चीजें देंगे जो आपके लिए सही हैं। स्वीकार योग्य पाप, जो बातें स्वीकार योग्य बन गई हैं वे परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य नहीं हैं। आत्मसंयम एक अद्भुत बात है, एक अद्भुत मित्र। यदि खुद को काबू में रखने की हमारी योग्यता नहीं होती तो हम इससे भी बुरी गड़बड़ी बनकर रह जाते।
ऐसा कभी मत सोचिए, मुझ में आत्मसंयम नहीं है, ऐसा कभी मत कहिए, बल्कि ऐसा कहिए मुझ में आत्मसंयम है और मैं इसका उपयोग करना सीख रहा हूं। और जब कोई खुद को आत्मसंयमी बताए तो उसका मजाक मत उड़ाइए, जैसे कि ओ तुम्हें बताए कि ये क्या है। नहीं, जब आप आत्मसंयम के बारे में सुने तो कहिए ओ अच्छा है, हाँ लगे रहो, मैं वो सब सुनना चाहता हूं जो सुन सकूं। प्रेरी तो 24:25। अब याद रखिए कि आत्मसंयम का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी चीजें कभी नहीं कर सकते जिन्हें आप करना चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जीवन के हर दिन उन चीजों को नहीं कर सकते। आत्मसंयम के बारे में ये मेरा पसंदीदा वचन है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हम क्या हैं। पौलुस फेलिक्स नामक व्यक्ति से कह रहे थे, वचन 24 कहता है, कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसने सुना, बातचीत की। और जब वो जीवन की पवित्रता और संयम अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखने तथा आने वाले न्याय पर चर्चा करता रहा तो वो डर गया और उसने चौकन्ना होकर कहा, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे बुलाऊंगा। ये बिल्कुल सही है, जब तक पौलुस उससे विश्वास के बारे में बात कर रहे थे तब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवन की पवित्रता और उसके जीवन से पाप को बाहर निकालने और उसकी लालसाओं और ईमानदारी के बारे में बोलना शुरू किया तो फेलिक्स ने सोचा, उपवास करना तो बहुत कठिन है, मुझे आश्चर्य होता है कि कितने सारे लोग नास्तिक नहीं होते जो वे होने का दावा करते हैं। अगर उन्होंने सोचा होता कि वे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और वे करते हैं जो वे करना चाहते हैं। मुझे दुख होता है और मैं कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करती हूं, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे यकीन करने के लिए और भी ज्यादा विश्वास लगेगा कि परमेश्वर नहीं है। मेरा मतलब है, ये एक बच्चे को पैदा होते देखने की बेवकूफी करने जैसा है। तारों को कौन संभाले हुए है, समुद्र के पानी से किसने कहा कि तू इससे आगे नहीं बढ़ेगा, और रेत के कुछ कणों ने इसे रोक दिया। मेरा मतलब यह अकस्मात नहीं हुआ, लेकिन लोग परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि लोग अपने जीवन पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नियंत्रण नहीं। और इसलिए यदि आप परम सत्य जानना चाहते हैं, बल्कि आज के समय के कुछ संदेश भी इस हद तक निम्न कर दिए गए हैं कि ये किसी के व्यवहार का आमना सामना नहीं करते क्योंकि लोग डरते हैं, आप जानते हैं, यदि आप प्रचार करते समय उन्हें खुश नहीं करेंगे तो वे दोबारा नहीं आएंगे। खैर, मैं यहां आपको खुश करने के लिए नहीं आई हूं। यदि आप उन बातों को सुने जिसका मैं प्रचार करती हूं कि परमेश्वर में कैसे बढ़े, हां ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप बाद में सच में खुश हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और खुश रहें, लेकिन मुझे परमेश्वर के सामने किसी दिन खड़े होना है और उन सभी वरदानों का लेखा जोखा देना है जो उन्होंने मुझ में डाले, और मैं हर समय आपको मीठा नहीं दे सकती। यदि लोग हर समय मीठा खाएंगे तो वे मर जाएंगे। आपको मीट भी खाना है और आपको सब्जियां भी खानी है और आपको उन्हें पसंद भी करना है। फेलिक्स ने कहा, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं इस समय तैयार नहीं हूं। आप जानते हैं क्या, आप मुझे अभी सुनना बंद कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन जब आप मुझे सुनेंगे तब मैं आपको यहीं पर मिलूंगी, यही कहती। मुझे क्षमा कीजिए, परमेश्वर ने मुझे मीठा खिलाने की सेवकाई नहीं दी है। काश उन्होंने ऐसा किया होता। मैं सोचा करती थी कि मैं किसी शहर में जाकर हर एक को उत्साहित क्यों नहीं करती, और फिर शायद 50 या 60 लोगों पर भविष्यवाणी करके घर क्यों नहीं चली जाती।
प्रोत्साहित करने का एक समय होता है, ऊंचा उठाने का एक समय होता है, लेकिन डांटने और सही करने का भी एक समय होता है। इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, मैं बस आपसे कहती हूँ, शायद मेरे जीवन में पहले से ही इतनी परेशानी है कि इससे और भी ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं, ईमानदारी से यदि आप किसी ऐसे चर्च में जा रहे हैं जहां वे लोग ऐसा कभी नहीं कहते जो आपको कुर्सी पर से हिला दे, तो शायद आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। मैं खुश होती हूं जब परमेश्वर मुझे सही करते हैं। मैं खुश होती हूं जब परमेश्वर मुझे कुछ ऐसी गलत चीजें दिखाते हैं जिसे मैं कर रही हूं। मैं कहती हूं, हां, मैंने एक और चीज पर विजय पाली है, पर मैं कई सालों तक ऐसा नहीं करती थी। ओ, एक और बात, किसी व्यक्ति में इतनी सारी गलत चीजें कैसे हो सकती हैं? आमीन। 2 पत्रस 1:5, इसके कुछ वचन पहले ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें किस तरह वो सब कुछ दिया जिनकी जरूरत हमें फलदायी और सफल जीवन जीने के लिए है। हमें ये वायदे दिए गए हैं, लेकिन आप सफल जीवन नहीं जी पाएंगे जो सिर्फ वायदों पर आधारित हो। इसमें आपको कुछ और भी मिलता है। इसलिए वचन 5 कहता है, और इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके देखिए, इस सप्ताह के अंत में आप परिश्रमी रहे हैं। ये निष्ठा का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोग 200 से 300 मील ड्राइव करके और होटल्स के बिल का भुगतान करके यहाँ आए हैं। इन सभी चारों सभाओं में यहाँ पर उपस्थित रहकर आप परमेश्वर के वायदे में अपनी निष्ठा मिला रहे हैं, और इसी कारण तुम दैवीय वाचा के लिए सब प्रकार की यत्न करो और अपने हर एक यत्न पर विश्वास लगाओ, और सद्गुण को जो उत्तम तौर संकल्प का निर्णय और मसीह शक्ति है विकसित करो, और इस पर यत्न करके समझ बुद्धिमानी बढ़ाओ। वचन 6, और समझ पर यत्न करके आत्मसंयम बढ़ाओ, और आत्मसंयम पर यत्न करके निष्ठा बढ़ाओ, जो कि धीरज और सहनशीलता है। देखिए, जब आप में आत्मसंयम होगा और जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे जिसे आप इसी वक्त चाहते हैं, तब आप असभ्यता से उस अविश्वासी की तरह नहीं करेंगे जिसे वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए नहीं कि आप ऐसा नहीं सोचते, बल्कि इसलिए कि आप में आत्मसंयम है, और आप निष्ठा पर यत्न करके भक्ति बढ़ाइए, और भक्ति पर यत्न करके भाईचारे की प्रीति बढ़ाइए, और अंत में भाईचारे पर यत्न करके आप परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे, जो कि मसीही प्रेम है। हम सच में एक दूसरे से कैसे प्रेम कर पाएंगे जो कि सिर्फ बातें करने से कहीं ज्यादा है, तब हम आत्मसंयम की भूमिका नहीं समझ पाएंगे जो हमारे जीवनों में कार्य कर रही है। कुछ लोगों को परमेश्वर की ओर से दूसरों की अपेक्षा बेहतर स्वभाव मिला है, और जो स्वाभाविक रूप से थोड़े ज्यादा आत्मसंयमी हैं, लेकिन आप ये बहाना नहीं बना सकते कि, और आप ये भी नहीं कह सकते कि, ओ, मैं ज्यादा अनुशासित व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आप में भी वही योग्यता है जो हर किसी में है। आपको बस इस पर यत्न करना है। हमें अवश्य उन शब्दों पर नियंत्रण रखना है जो हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में और भी कई बातें हैं। हो सकता है आत्मसंयम अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ना हो, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसके कारण आपके जीवन में सभी चीजें संतुलित रहती हैं, और बाइबल हमें कहती है कि यह हमारे खुद की भलाई के लिए है। नीति वचन 25:28 कहता है, मैं आत्मसंयम से कार्य करता हूं और अपनी आत्मा को बेलगाम होने नहीं देता। मैं ऐसा शहर बनने से इनकार करता हूं जिसकी शहर पनाह तोड़ दी गई हो। आत्मसंयम और अनुशासन मेरे जीवन में सुरक्षा लाते हैं, मुझे ये पसंद है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं, और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी, और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।